आसनसोल के काली पहाड़ी में स्थित माँ घाघरपुरी चंडी मंदिर आसनसोल के सबसे पुरानी और प्राचीन मंदिरों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर 550 साल पुराना यानी कि 550 साल पुराना। इसका निर्माण जो है कि 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था और बाद में यह मंदिर जो है कि सुंदरीकरण होते होते आज हजारों श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि घाघरपुरी मंदिर के पीछे एक सच्ची घटना और एक सच्ची कहानी है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में आसनसोल शहर को आसन और सोल यानी कि जंगलों का शहर कहा जाता था और यहाँ पर एक भक्त जो है पुराने काल में इसी जंगल में एक भक्त रहता था जिसको कंगाली चरण नाम से जाना जाता था। कंगाली चरण एक भक्त था जो रोज जंगलों से होते हुए दूसरे गांव जाता था पूजा अर्चना करने के लिए। एक दिन जो है यह भक्त जो है जो कालीचरण जो भक्त है वह नूनिया नदी को पार करते हुए दूसरे गांव में पूजा पा। एक दिन कालीचरण था खार कर पीपल के ब्रिज के नीचे बैठा था, उसी वक्त उसे नींद आ गई। कालीचरण के सपने में घाघरबुड़ी माँ आती हैं और तीन पिंड देकर उसे स्थापित कर और वहीं पूजा करने की बात कहती हैं। तभी अचानक कालीचरण की आँख खुल जाती है और वह ठीक अपने हाथों में तीन पिंड पाता है। कालीचरण उस पिंड को स्थापित करते हुए पूजा शुरू कर देता है। तब से लेकर आज तक वहाँ पर रोज जो है पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इस मंदिर का नाम जो है घाघरबुड़ी चंडी मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ हर दिन श्रद्धालु आते जाते हैं मगर शनिवार और मंगलवार को काफी भीड़ होती है। मंदिर परिसर के ठीक बगल में नूनिया नदी है जिसके रहस्य को आज भी समझ पाना मुश्किल। बताया जाता है कि इस नदी की पानी जैसे ही माँ घाघरपुरी चंडी मंदिर की ओर से गुजरती है पानी मानो झाग का रूप ले लेता है। यानी कि जैसे ही मंदिर की ओर से यह नदी गुजरती है उसका पानी जो है कि वह झाग का रूप ले लेता है। यह एक चमत्कार है जिसे देखने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मंदिर परिसर में एक वृक्ष है जिस पर लोग अपने मान्यता के अनुसार अपनी मनोकामना के अनुसार धागा बांधते हैं और ढेला बांधते हैं। मान्यता है लोगों की कि माँ घाघरपुरी चंडी मंदिर जो भी मनोकामना होती है वह पूरी कर देती है। इसी के अनुसार लोग जो यहाँ पर धागा और ढेला पहनते हैं और ठीक मंदिर परिसर के ठीक बगल में और भी कई मंदिरें हैं। राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगाई जाती हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े। आसनसोल से यह मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और खास बात यह है कि NH2 से सटा कोई भी भक्त अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो यह बिना कोई कठिनाई बिना किसी मुश्किल से जा सकते हैं क्योंकि यह NH2 से सटा हुआ है और आसनसोल शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कोलकाता हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं और आप अगर अंडाल या दुर्गापुर एयरपोर्ट से भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि यह NH2 से सटा हुआ, सारी सुविधाएँ यहाँ पर हैं। एक बार प्रेम से बोले जय घाघरपुरी चंडी माता की जय।